रायगढ़ जिले के कोटवार एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटवारों ने बताया कि पिछले भाजपा शासनकाल में उनकी कुछ मांगों पर रोक लगा दी गई थी और जब नई सरकार बनी तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें आश्वासन दिया था, पर अब तक उन पर कोई अमल नहीं किया गया। हमारा शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और जो हमको मालगुजारी भूमि का मैंने मालिकाना दिया गया था उसमें पुनः भाजपा सरकार उसको वापस ले लिया गया है। तो उसको हम लोग अभी वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के यहाँ पाटन में ये घोषणा किए हैं कि आपको हम वापस दे देंगे, ज्ञापन देंगे अभी और हमारा मांग स्वीकार अगर कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे की रणनीति फिर तैयार करेंगे, धरना रैली आंदोलन जो भी। जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से चार मांग रखी है, पहला तो यह है कोटवारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाए, दूसरा है मालगुजारी के समय जो जमीन कोटवारी जमीन मिली थी उसका भूमि स्वामी हट प्रदान किया जाए, तीसरा है लॉकडाउन के दौरान जो भी कोटवार हैं मृत हो गए हैं उसको मुआवजा दिया जाए, तथा 50 लाख रुपये का सामूहिक बीमा किया जाए और जो कोटवार जिले राज्य में 4 कोटवार शहीद हुए हैं।